अंदर पड़ा हुआ। गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के 8 बजने वाले हैं और हम लोग जग गए हैं, सो करके अभी अभी उठे हैं। अब अभी टीटू सो रहा है और साक्षी भी सो रही है, अंश जाग गया है, कुसुम जी भी जाग गई हैं और बैठी हुई हैं। और हाँ तो इनको थोड़ा सा एक जगह अपना पीठ पे थोड़ा फोड़ा पड़ गया है, तो फोड़े को थोड़ा सा मवाद बहाने के लिए थोड़ा सा वो एक बर का पत्ता आता है हमारे गांव में, धतूर का पत्ता आता है। तो धतूर का पत्ता हम लोग मैं जा रहा हूँ लेने के लिए, और ये कैसा होता है, किस तरह का दिखता है, मैं आपको चलिए आगे वीडियो में बताऊंगा। तो अभी मैं घर से निकलता हूँ और चलते हैं धतूर का पत्ता लेने के लिए। उसका दूध काम करता है उसका। तो धतूर दो तरह का होता है, एक तो कांटा वाला होता है, नहीं तो डॉक्टर को चलाइएगा। हाँ तो वो जा रहे हैं लेने के लिए और लेके आएंगे, जाएंगे आपको दिखाएंगे अभी पेड़ धतूर का। और मदार का अलग होता है, मदार का थोड़ा वाइट टाइप का होता है, पूरा मोटा पत्ता होता है। और धतूर का जो होता है वो कांटा जैसा होता है, गोल गोल होता है, उसमें कांटा, उसको बोलते हैं धतूरा। जो सुनने में आता है कि भोलेनाथ भी धतूर का सेवन करते थे। तो चलिए आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं धतूर कैसा होता है, ठीक है। मेरे देखिए घर के बगल में छत के ऊपर में बंदर पड़ा, बंदर था लेकिन बहुत ही खतरनाक आक्रामक होकर के। ए अभी छत पे आएगा देखना, वो आया, बहुत खतरनाक लग रहा है, लंगूर था दोस्तों और शायद छत के ऊपर में चला गया, इधर ही है, बहुत खतरनाक है। हाँ दांत दिखा रहा था ऐसा, मैं उसको शूट कर रहा था लेकिन वो सीधे हम लोग की तरफ आया और ऊपर में चढ़ गया। तो अभी बच्चे लोग डर गए और मैं भी डर गया था, और अभी पता नहीं, देखते हैं किधर गया। दोस्तों दिखाता हूँ मैं आपको, धीरे से देखिए, वो देखिए उधर की साइड में बैठा हुआ है, उधर देखिए दोस्तों बैठा हुआ है, वहाँ पे बहुत खतरनाक है, बहुत लंबा पूंछ है। और देखिए दोस्तों वो भाग गया, वो जा रहा है सामने, देखिए बहुत ही खतरनाक, इतना लंबा है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों बहुत ही खतरनाक था, हम लोग की तरफ दौड़ा लेकिन फिर बाद में वो भाग गया। वो अकेला है और कोई है नहीं, अकेला ही है, इसके लिए तो घूम रहा था, तो साथ में बच्चों से बैठता है, टाइम पास करता है, अकेला लगता है, कैसे भी इधर में पता नहीं कैसे आ गया। कहाँ पर धतूर मिलता है, और टीटू अंश चल रहे हैं मेरे साथ में धतूर लाने के लिए। और यहाँ पे होलिका का भी व्यवस्था बनाया है अपने सोसाइटी के बगल में, और चलिए दिखाते हैं। दोस्तों इस समय डॉक्टर साहब के पास में आ गया हूँ, मेरे पुराने वाले घर के बगल में रहते हैं, तो अभी वही पूछने आया कि क्या करें, तो घर पे लोग मना कर दिए कि भाई वो चीज़ मत लगाओ, धतूरा वतूरा वो ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, बहुत तेज़ होता है। तो अभी नॉर्मल डॉक्टर साहब से क्रीम लेकर के लगवाएंगे, फिर जब पक जाएगा उसके बाद में फिर देखा जाएगा क्या करना है। तो अभी चलते हैं डॉक्टर साहब के पास लेते हैं। तो ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, हमारे घर के बगल में ही रहते हैं और बहुत ही अच्छा इलाज करते हैं, इनका नाम है डॉक्टर जाकिर अली, और हमारे जस्ट घर के, पुराने वाले घर के बगल में रहते हैं, या तो आए हैं दवाई लेने के लिए। इसके बाद चलते हैं फिर बाज़ार से होते हुए फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। दोस्तों ये जो दिख रहा है पेड़, इसको बोलते हैं धतूर का पेड़, ठीक है दोस्तों। और ये जो सामने है ये वाला, इसको बोलते हैं मदार का पेड़, और ये दवा के काम में बहुत आता है, बहुत ही लाभकारी होता है, ठीक है। मैं थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ, ये देखिए धतूरा का पेड़ का ऐसा कुछ पेड़ होता है, पहचान लीजिए, ठीक है। ये जो छोटा वाला है इसमें देखिए फूल थोड़ा लंबा लंबा फूल हो रहा है, इसके अंदर में कुछ कांटा टाइप का, गोल गोल लड्डू टाइप का होता है, उसको बोलते हैं धतूरा। भाइयों ये घर पे राशन ख़त्म हो गया था, तो मम्मी गई थी, लाइन लगाई थी सुबह से, तो राशन मिला, उसके बाद में देखिए अभी लेके आ रहे हैं, और वो भी ले लिया हूँ अपना, क्या बोलते हैं, दवा ले लिया हूँ। दोस्तों देखिए गेहूँ आया था राशन की दुकान से,
अभी इसको धुलाई करके पिंकी जी डाल दी हैं छत पे। बहुत तेज धूप है, कितना कड़क धूप है कि मैं क्या बताऊँ। अभी खाना खा के जस्ट ऊपर आया हूँ, चलते हैं नीचे। देखिए नीचे पिंकी जी चावल को छांट रही हैं। और ये पुराना चावल कि नया चावल है? नया वाला चावल है। और 15 किलो मिला था हम लोग का, 3 लोग का था कार्ड पे, तो 3 लोग का 15 रुपया मिला, तो गेहूँ मिल ले लिए हम लोग। और ये नया चावल बाहर से ख़रीदे हैं। और देखिए हमारे घर के बाहर में कुछ यहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे हैं, सामने नवज्योति स्कूल है ये वाला। और अभी आज के ब्लॉग में इतना ही करते हैं, आज का ब्लॉग इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।